हॉर्स ट्रेडिंग में जिन विधायकों के नाम जोड़े जा रहे हैं उनका साफ कहना है कि वे अपनी मर्जी से गए थे और उन्हें किसी ने भी बंधक नहीं बनाया। विधायकों के बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर सवालिया निशान लग गया है। विधायक उस कहानी को भी झूठा बता रहे हैं कि वो बंधक थे और उन्हें मंत्री जयवर्धन सिंह या जीतू पटवारी छुड़वा कर ले आए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा अपने चरम पर है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है जो दिख रहा है वो सिर्फ एक पक्ष है। ऐसे में कमलनाथ सरकार को लेकर कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस बीच उन विधायकों ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की उस कहानी को झूठा करार दिया है कि विधायकों को बंधक बनाया गया था और फिर कांग्रेस सरकार के दो मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी सभी विधायकों को बीजेपी के कब्जे से मुक्त करवा ले आए हैं। इस मामले में बीएसपी विधायक रामबाई ने साफ कहा, मैं भूपेंद्र सिंह के साथ गई तो इसमें तकलीफ क्या है। तेज तर्रार विधायक रामबाई ने साफ कहा, उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था, वे अपनी मर्जी से गई और अपनी मर्जी से आई हैं। रामबाई के बयान ने दिग्विजय सिंह की कथा की हवा निकाल दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वाइट थी कि हम लोगों को जबरदस्ती लाए गए, गुंडा जल्दी कैसे ला सकते हैं, जबरदस्ती किसी को कोई जबरदस्ती ला सकता है क्या? जो भी थे जो भी है अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए, ना कोई मंत्री ना कोई मिनिस्टर ना कोई दुनिया में कोनो पैदा नहीं हुआ जो हाथ लगा हाथ तोड़ दें, हम चाहे कोनो अधिकारी रहे जाए भी खुद हों बचाए भी हों कह रहे हमारे लाने के उन्होंने हाथ नहीं लगा। बसपा एमएलए संजीव कुशवाहा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, जब जहाज डूबता है उससे पहले चूहे मजे करते हैं। ऐसे कई चूहे कांग्रेस में मौजूद हैं। कमलनाथ जी ऐसे चूहों को हटाएं। मैं दिल्ली काम से गया था, मुझे बीजेपी ने बंधक नहीं बनाया था। संजीव कुशवाहा की बातों के कई मायने हैं। उनकी बात ने भी दिग्विजय सिंह की कथा को गलत ही बताया है। देखिए, एक बड़े बुजुर्ग हमको एक कहावत सुनाते थे कि जहाज में चूहे भी बहुत होते हैं और सबसे ज्यादा मजे वो चूहे ही करते हैं। जहाँ आप नहीं पहुँच सकते वहाँ चूहे पहुँच जाते हैं और जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे कूद के भागते हैं। तो मैं कमलनाथ जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सरकार में भी ऐसे चूहों को चिन्हित करें और जो मतलब सरकार जहाज डूबने से पहले ही तैयारी कर ली थी कूदने की, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और लात मार के बाहर करें। जो आपकी सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा फायदा ले रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला बब्बू ने सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस नेता ये बताएं हमें कहां बंधक बनाया था। हम बुंदेलखंड से हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमें बंधक बनाए। शुक्ल ने कहा, इन 14 महीनों में कई बार नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया, क्योंकि जो पेपर पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है हम उसको वहाँ से निकाल के लाए हैं, कोई कह रहा हम वहाँ बंधक बनाया गया था, लेकिन जी कोई नहीं बताया कि कहाँ बंधक किसको बनाया गया था, तो हम इसे इसको निकाले। जैसे बताए तो कोई मंत्री बताए, कोई सरकार का आदमी बताए कि हम राजेश शुक्ला को कहीं से निकाल के लाए, तो हम उससे बात करें। हमने सब और हम लोग बुंदेलखंड से आए लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं क्षेत्र के लोग, लेकिन मेहनती और ताकतवर इतने हैं कि हमें कोई बंधक बनाने की मौका नहीं। बसपा विधायक रामबाई ने तो यहाँ तक कहा कि पहले मंत्रियों की बाइट लो फिर मुझसे आकर पूछना। रामबाई ने कहा, बीजेपी का कोई रोल नहीं। हाथापाई पर कहा, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें हाथ लगा दे। इन विधायकों की माने तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह या जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी बंधक बनाए जाने की जो बात कह रहे हैं वो सिरे से गलत है। इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात को भी सफेद झूठ बताया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।